अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज हम क्रिएट करेंगे वू कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए इंतहाई सिंपल तरीके से। कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन अगर इस लेक्चर को पूरा देख लेता है तो वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है और मैनेज कर सकता है, और जो भी सेटिंग्स है ई कॉमर्स की वो भी मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये सारे काम किए जाते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी जो करंट वेबसाइट है वो काफ़ी मतलब बिल्कुल बेसिक सी है। कोई थीम, कोई सेटअप इसके ऊपर नहीं हुआ पड़ा। तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पे थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर जाने के बाद सिंपल हमारे पास यहाँ पे आस्ट्रा मौजूद है, इसको हम सिंपल एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है, सिंपल यहाँ पे ऐड थीम पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें आस्ट्रा, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे देखें, ये आपके पास थीम है, ये आपने इंस्टॉल करना है, उसके बाद इस तरह से एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा गेट स्टार्टेड का, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी जो प्लगइन्स हैं इसके रेलेवेंट उनको इंस्टॉल करेगा और उनको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे हम वापस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर अब हम अपनी वेबसाइट को देखें तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन बेसिक्स मौजूद है। सिंपल हम चलेंगे यहाँ पे अपेरेंस के अंदर और स्टार्टर टेम्पलेट। आप जब आस्ट्रा इंस्टॉल कर लेंगे और बेसिक नेसेसरी प्लगइन गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। सिंपल आपने क्लिक करना है एलिमेंटर और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हमें चाहिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ई कॉमर्स के जो टेम्पलेट हैं, डिज़ाइन हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, राइट। कुछ यहाँ पे प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं, तो प्रीमियम वाले ऑब्वियसली बात है हम फ्री वाले वर्जन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे फ्री वाली ही टेम्पलेट को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ करते हैं और उसको इम्पोर्ट करते हैं। अब लेट्स से मुझे एक इस तरह की ग्रॉसरी स्टोर बनाना है, ऑर्गेनिक स्टोर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिंपल सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें हमें इस पूरे डिज़ाइन का जो लेआउट है, किस तरह से ये हमारी वेबसाइट पे शो होगा, वो सारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको प्रोसीड कर दें यहाँ से, अदरवाइज बैक जाके कोई और टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे अगर कलर्स अपने चेंज करने हैं इसके अंदर कि कौन से कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से आप प्री मेड ऑलरेडी ही कलर चेंज कर सकते हैं। बट इसका डिफ़ॉल्ट कलर इस स्टोर के डिज़ाइन के साथ अच्छा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसी को चूज़ कर लेते हैं, इसी कलर को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबमिट एंड बिल्डिंग माई वेबसाइट, तो यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा विद इन फ्यू क्लिक्स, जैसा कि आपने देखा, और पूरा इसी तरह की वेबसाइट हमारी इस खाली वेबसाइट के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से हम उनको ऐड करेंगे, किस तरह से डिलीट करेंगे, और जो पेजेस हैं उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो अभी के लिए इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। और यहाँ पर देखें ये ऑप्शन दे रहा है के कार्ड फ्लो और ये सारी चीज़ें, तो हम इसको क्या करते हैं ट्राई अगेन एंड अगेन क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि इम्पोर्टिंग कार्ड फ्लो फेल ड्यू टू द पार्स जेसन एरर, हम इस पर अगेन क्लिक कर देते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी इशू आ रहा है, उसको एक दो बार इसी तरह से ट्राई करेंगे तो आपका जो पूरा वेबसाइट है वो कम्प्लीट इम्पोर्ट हो जाएगा, राइट। तो नॉर्मली ये एरर नहीं आता, लेकिन सम टाइम आ जाता है, तो आपने कुछ इस तरह से उसको कर लेने, एक दो बार दोबारा से ट्राई अगेन करेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने किया, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखें हमारा जो इम्पोर्टिंग है साइट वो ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट हो चुका है, तो इसका यहाँ पे देखें ये 100% हो चुका है एक्चुअली। और अब अगर हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करें तो यहाँ पे देखें हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन हो चुकी होगी अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन जो हमने चूज़ किया था, राइट। अब यहाँ पे जो मेन काम है वो ये है, यहाँ पे देखें एग्जैक्टली उसी तरह। अब यहाँ पे हमारे जो मेन काम है वो ये है कि हमें इस स्टोर का डिज़ाइन को एडिट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इमेज है, इसको अगर चेंज करना है, ये टेक्स्ट को चेंज करना है, इस बटन पे क्या यूआरएल आएगा वो लगाना है, इस टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड होंगी, डिलीट होंगी, जैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर देखता हूँ तो यहाँ पे ये इसका टाइटल कैसे चेंज होगा, प्राइसिंग कैसे चेंज होगी, ये डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें,
ठीक है, तो ये किस तरह से किए जाएंगे, तो उसके लिए सिंपल सी दो चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी आप लोगों को बता रखा है कि हमारे पास दो चीज़ें, एक एलिमेंटर से एडिटिंग करना और दूसरा कस्टमाइजेशन। अब जैसे ये हेडर है, ये लोगो चेंज करना है या यहाँ से इनके कलर्स चेंज करने हैं या कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड या डिलीट करनी है, तो वो हम कस्टमाइजेशन में जाके करेंगे, राइट। अगर इस पूरे पेज के अंदर ये वाली जो टेक्स्ट है, इमेज है, ये आइकन है, ये चेंज करने हैं, ठीक है, तो ये वाले किस तरह से करेंगे, तो एडिट विद एलिमेंटर से करेंगे। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स डायनामिकली आ रहे हैं यहाँ बैक एंड से। आप फ्रंट एंड पे आपने ये इस तरह से सेटिंग कर दी, और बैक एंड से जैसे ही आप प्रोडक्ट डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे। या फिर यहाँ पे हमारे पास शॉप का पेज होगा, यहाँ पे देखें, ये शॉप का पेज है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। बट लेट मी शो यू द बोथ वे, किस तरह से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे और किस तरह से कस्टमाइजेशन करेंगे। चलें, लेट्स सपोज हमें ये वाली जो पेज है इसको एडिट करना है, इसके अंदर कुछ इमेजेस ये वाली चेंज करनी है, कुछ टेक्स्ट ये वाला चेंज करना है, और यहाँ से जो भी टेक्स्ट वगैरह इमेजेस हैं वो बेसिक से चेंज करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से। तो हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा, थोड़ा सा लोड होगा, और उसके बाद हम अपने पेज को जो है वो एडिट कर पाएंगे। इसी सेम तरीके से आप कोई भी पेज एडिट कर सकेंगे, अबाउट अस का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, बट जो डायनेमिक पेज हैं जैसे चेकआउट या फिर शॉप पेज या फिर जो कार्ट पेज है, इस तरह के जो पेजेस हैं वो इसके अंदर फ्री वर्जन के अंदर आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी सीरीज़ रिकॉर्ड कर दी है, किस तरह से आप वूकॉमर्स की सीरीज़ आप मेरे चैनल के अंदर जाके देखेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो चेकआउट पेज है उसको किस तरह से एडिट करना है, कार्ट पेज को किस तरह से एडिट करना है, सिंगल प्रोडक्ट पेज को इस तरह से एडिट करना है, राइट। बट यहाँ पे हम बेसिक एडिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये इमेज है, इस यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देखें इसके सारे ऑप्शंस आ गए, और यहाँ पे इसके स्टाइल्स हैं। अगर लेट्स सपोज ये हमने सेंटर में रखना है तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कर देंगे। कंटेंट के ऊपर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे देखें इसका कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी जो इसकी फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का वेट क्या होगा, इसी तरह से शेडो, डिस्क्रिप्शन, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है इसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इमेज चेंज करनी है, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारे पास, हमारी जो इमेज है वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ से भी हम चूज़ करके लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे ये वाली इमेज लगानी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाली इमेज लग गई। अगर मुझे ये वाली इमेज चाहिए तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारी इमेजेस मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभी के लिए हम जो पुरानी इमेज थी वो मेरे ख्याल से ठीक लग रही थी, उसी को यहाँ पे यूज़ करके अपडेट कर देंगे। इसी तरह से ये देखें, ये आइकन्स वगैरह को चेंज करना है तो इस तरह से चेंज कर पाएंगे आप। तो सिंपल आपने जस्ट क्लिक करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है। अब इन प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से बैक एंड से जाके ये प्रोडक्ट्स है ऐड न्यू करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, तो उसको मैं अभी आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पे हमारा जो मेन गोल था वो किस तरह से इनको एडिट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस बटन का जो टेक्स्ट है ये चेंज करना है, इस पर लिंक लगाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आके इसका कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइलिंग करनी है, जो भी इस बटन के आपने अपने अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक से एडिटिंग आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एलिमेंटर से किस तरह से करनी है, कोई भी पेज आपने एडिट करना है। बट यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर मैं इनको कहीं पे एडिट करना चाह रहा हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्लिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे पेंसिल का आइकन है, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वाली चेंजेस जो हैं वो कस्टमाइज के अंदर जाके होंगे। और इसी तरह फूटर के अंदर ये जो चेंजेस हैं, यहाँ पे हमने ऐड करना है, डिलीट करना है, इन पर लिंक्स लगाने हैं या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें कस्टमाइज के अंदर जाके मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किसी भी पेज को एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा से चलता हूँ वापस, और यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज है, तो सिंपल इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डाल दूंगा, और यहाँ पे FAQs अगर मुझे चाहिए तो रख लूँगा, अदरवाइज मैं इनको डिलीट कर दूँगा। लेट्स से मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, और मुझे जो भी कंटेंट यहाँ पे चेंज करना है वो मैं यहाँ पे इसी तरह से सेम उसी तरह से चेंज कर पाऊँगा, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें ये टाइटल, ये उसका डिस्क्रिप्शन, और अगर मुझे यहाँ पे ये
नहीं चाहिए, दो चाहिए, तो मैंने एक को डिलीट कर दिया, इसी तरह इस पर क्लिक किया, यहाँ पे दो रख लिए, चार हो गए, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ ये दो ही चाहिए तो मैं इस पूरे कॉलम को इस तरह से डिलीट कर दूँगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास दो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो गए, और मैं इस स्टाइल के अंदर इसको चाहूँगा तो मैं इसको डुप्लीकेट करता जाऊँगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिमेंटर से एडिटिंग आपने आई होप बेसिक बेसिक सी आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा इसके साथ प्ले करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। मज़ीद इसके बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर जानना है एलिमेंटर में, मैंने कंप्लीट कोर्स वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग का अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। आप कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर, डेवलपर बन सकते हैं और अपने सर्विसेज को अच्छे दामों में फाइवर या अपवर्क पर बेच सकते हैं। और फाइवर अपवर्क का भी कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो जाके आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा इनकी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन में मुझे ये वाले चेंज करने हैं, इनको हाइड करना है, ऐड करना है, या इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फुटर हैं, यहाँ पे लिंक लगाने हैं, मुझे डिलीट करना है, एडिशन करनी है, जो कुछ भी करना है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा, सिंपल क्लिक करूँगा कस्टमाइज़ के ऊपर। तो हम क्या चले जाएंगे, इस थीम के कस्टमाइजर वाले सेक्शन में चले जाएंगे और वहाँ से हमें जो भी एडिट करना होगा वो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब ये वाले जो पेज के सेक्शन हैं ये एक्टिव नहीं है, इनको हम एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि एलिमेंटर के ऊपर बेस्ड है और एलिमेंटर से एडिट होंगे। बट लेकिन यहाँ पे मैं माउस ले गया तो देखें पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये हमें कह रहा है कि ये जो मेन्यू है इसका डिज़ाइन आपने चेंज करना है, इसके कलर चेंज करना है। यहाँ पे देखें ये ग्रीन कलर है इनके ऊपर, ठीक है, ब्राउन है, इसको आप रेड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें ग्रीन चाहिए तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया कुछ इस तरह से। और बाकी जो फॉन्ट का जो भी चीज़ें हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, यहाँ पे देखें इस साइज़ को आप इस तरह से बड़ा कम कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप। तो इसकी ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो पे यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सिलेक्ट अ लोगो, आप सिंपल यहाँ से लोगो सिलेक्ट करेंगे और आप उसको एज अ यूज़ कर लेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला लोगो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लोगो चेंज नहीं हुआ तो मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखें ये वाला जो लोगो है वो ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए है, ठीक है। अब मैं इसको बैक आता हूँ और यहाँ पे साइड टाइटल एंड लोगो पे जाता हूँ और यहाँ से लोगो चेंज करता हूँ, तो स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें ये लोगो हमारा अपडेट हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वही लोगो यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वो काफ़ी सही लग रहा था और मैं उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये इस तरह से, इसी तरह से ये दूसरा मेन्यू है, इसकी आपने चेंजेस करनी है, इसके डिज़ाइन में चेंजेस करनी है, इसका फॉन्ट साइज और सारी चीज़ें करनी है, वो मैं यहाँ से एडिट कर पाऊँगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास फूटर है, इस फूटर का ये लोगो चेंज करना है, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें ये इमेज है, इसको चेंज करेंगे हम, और जो भी इमेजेस लगाना चाहें वो यहाँ से रिप्लेस इमेज पे क्लिक करके लगा सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, तो ये देखें ये वाला लग गया है। इसी तरह से यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे इनको मैं मुझे रखना है या डिलीट करना है, तो ये देखें मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये डिलीट करना है तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यहाँ से ये डिलीट हो जाएंगे और मैं इसको पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को एडिट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करने हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखें हमारे पास, यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर मुझे शॉप पेज चाहिए जो कि यहाँ पे बॉटम में है, तो उसको मैं किस तरह से ऐड करूँगा। तो सिंपल यहाँ से बैकएंड में जाऊँगा, मैं अपेयरेंस में जाऊँगा, मेन्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, सारे पेजेस नज़र आएंगे। इसको मैं अच्छा यहाँ पे ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना दो मेन्यूज़ हैं, एक ये वाला मेन्यू है, एक ये वाला मेन्यू। अब मुझे इस वाले में, इसमें तीन ऑप्शन हैं, तो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ शॉप वाला, तो ये इवन हो जाएंगे, ज़रा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखें, लेकिन ये वाला मेन्यू सिलेक्टेड था, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से सेकंड मेन्यू इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखें ये वो वाला मेन्यू आ गया। इसके अंदर हमने पेज सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया और सेव चेंजेस कर दिया। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें शॉप पेज हमारे पास शो हो। अब यहाँ पे ये देखें ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं। अब हमें प्रोडक्ट्स किस तरह से मैनेज करनी है, बैकएंड से किस तरह से ऐड या डिलीट करनी है और किस तरह से एडिट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वाले ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है,
और सिंपल हमारे पास यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है तो मैं होवर करूँगा और यहाँ पे मूव टू ट्रैश कर दूँगा इसको, ठीक है। अगर एडिट करना है तो सिंपल यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट की एडिशन और सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, प्राइसिंग रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक डेमो प्रोडक्ट एक और ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, चिली गार्लिक, आई होप यही स्पेलिंग है। मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे उसकी प्राइस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, $100, और सेल प्राइस ऐड कर देता हूँ कि $100 की ओरिजिनल प्राइस है लेकिन सेल प्राइस में हम $90 की सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अगेन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट की इमेज चूज़ कर लेता हूँ, मेन इमेज, जिस तरह से ये हमारे पास मेन इमेज है, एक मेन इमेज चूज़ कर लेता हूँ। तो अभी के लिए मुझे मेन इमेज लेट्स सपोज ये वाली या फिर ये वाली चूज़ कर लेते हैं, ओके, ये वाली इमेज चूज़ कर ली। अब ये है प्रोडक्ट गैलरी, तो इसके अंदर मुझे एक से ज़्यादा इमेजेस चूज़ करनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ से रैंडम अभी इमेजेस जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने गैलरी के अंदर ये इमेजेस ऐड कर दी। अब मैं इसको कर दूंगा पब्लिश, ठीक है। अब मैं अपनी जो शॉप पेज है उसको देखूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि वो प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए चिली गार्लिक हमने 90 का लगाया था, $100 ओरिजिनल प्राइस लगाई थी, पर इसको मैं खोल के देखूँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऐड की हुई है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, राइट। तो ये था बेसिक सी चीज़ें। अब यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड किस तरह से लगाना है, लेट्स सपोज आपको अब स्ट्राइप या पेपाल या कोई और कैश ऑन डिलीवरी सेटअप करना है, तो आप यहाँ वूकॉमर्स पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देखें पेमेंट्स का ऑप्शन है, और पेमेंट्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी को ऐड कर देता हूँ, चेक पेमेंट्स या जो भी हैं आप उनको यहाँ पे इस तरह से एडिट करके और यहाँ से फिर इसको फिनिश सेटअप पे और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी API कीज़ और वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पूरे लेक्चर का मकसद सिर्फ बेसिक्स बताना था कि किस तरह से आप ई कॉमर्स वेबसाइट इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, आपको डेवलपर को देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप इस तरह से ईजिली अपनी एक वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी, आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह के कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।